हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ डाइट प्लान के हिसाब से रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली कुछ पराठा रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प भी करेंगे, साथ में आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराएंगे। अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपनी एक वेट लॉस डाइट आप लोगों के साथ में शेयर की थी, तो इनकेस अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और मैं जो डाइट प्लान फॉलो करती हूँ वो रुजुता इंस्पायर्ड डाइट प्लान है, तो उन्हीं के इंस्पिरेशन से ये ब्रेकफास्ट रेसिपी, लंच रेसिपी जो भी मैं खाती हूँ वो वही होता है। तो ये आज का जो वीडियो है वो भी रुजुता दिवेकर्स इंस्पायर्ड रेसिपीज़ होने वाली हैं, जिनको कि आप लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में कभी भी बना करके खा सकते हैं। मैं कुछ वेरिएशन भी आपको वीडियो में बताऊँगी, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं पराठा रेसिपीज़ को। सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाने वाले हैं मिंट पराठा या फिर पुदीना पराठा। तो पुदीना पराठा बनाने के लिए हमको चाहिए पुदीना ऑब्वियसली। तो ये यहाँ पर मैंने लिया है फ्रेश पुदीना, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, साफ़ कर लिया है, एंड देन फिर इस मैनुअल चॉपर में इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्टली फूड प्रोसेसर में भी आटा लगा सकते हैं, बट आप इस तरीके से लगाएंगे ना तो जो पुदीना है इसका फ्लेवर बना रहेगा, और बहुत ज़्यादा ये एकदम बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा क्रश किया हुआ पुदीना रहेगा तो अच्छे पराठे बनेंगे। अब आटे लगाने के लिए मैंने ले लिया है गेहूं का आटा, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा एक चम्मच के करीब ऑयल डाला है, एंड उसके बाद मैं इसमें नमक डालूंगी और जीरा और हींग, इतना डाल के भी आप बना सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसमें और स्पाइस ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। आप चाहें तो हरी मिर्ची को भी क्रश करके डाल सकते हैं, बट क्योंकि मेरा बच्चा भी खाना खाएगा तो मैंने इसलिए हरी मिर्च नहीं डाली है, थोड़ा सा सिर्फ स्पाइस के लिए मैंने आधा चम्मच लाल मिर्ची डाल दी और हींग डाल दिया है। और उसके बाद ये पुदीना इसमें ऐड करके एक सॉफ्ट सा डो लगाऊंगी, और डो लगाने के लिए मैं प्लेन वाटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा दही या फिर थोड़े से दूध के साथ भी लगा सकते हैं आटा, बट मुझे प्लेन ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे कि पुदीने का जो फ्लेवर है वो मेरे को ज़्यादा प्रोमिनेंटली फील होता है। तो ये आटा जो है वो आपको नॉर्मल रोटी के जैसा सॉफ्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करना है आटे को, और उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। सो ये बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, और आप इसे ब्रेकफास्ट में खाइए, लंच में खाइए, डिनर में खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस पराठे को हेल्दी बनाने के लिए आप गेहूं के आटे की जगह मल्टीग्रेन आटा भी ले सकते हैं। आप चाहें तो आटे के अंदर और भी, आपके पास कोई और दूसरा आटा हो, बाजरे का आटा हो या फिर बेसन हो, आप वो भी मिलाकर के इस पराठे को बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आप इस तरीके से वेरिएशन कर करके आप बना सकते हैं, कि जैसे कभी आपने प्लेन व्हीट फ्लर के साथ में बना लिया, फिर कभी आपने मिक्स करके बना लिया, कभी आपने मल्टीग्रेन आटे के साथ में बना लिया। सो ये सभी के साथ में बहुत अच्छा लगता है, और जैसे भी आप आटा लेंगे जो भी, उसके आपसे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप प्लेन व्हीट फ्लावर के साथ भी बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, बस आपको मैदा बिल्कुल यूज़ नहीं करना है इसके लिए। और बस ये देखिए आटा मेरा लग करके तैयार हो गया है, कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और अब मैं इसको फोल्ड करके लेयर वाले पराठे बनाऊंगी। आप चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं, बट लेयर वाले पराठे आप बनाएंगे तो ये बहुत सॉफ्ट भी रहते हैं और खाने में मुझे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ये लेयर स्टाइल में। तो बस इसको लेयर स्टाइल में मैं बना लूँगी, और उसके बाद इसको घी से आप सेंकिए पराठों को, आप ऑयल का यूज़ ना करें, और स्पेशली जो रिफाइंड ऑयल है वो रुजुता दिवेकर एकदम मना करती हैं, घी के लिए वो बिल्कुल अलाउ करती हैं। सो बस घी के हेल्प से ही मैं ये पराठे अपने सेक लूँगी, और मैं पराठों को आपको सजेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ना करें और हल्का हल्का सेके, जिससे कि जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बनी रहे, घी भी बहुत ज़्यादा जले नहीं। तो आप हल्का हल्का इसको सेक सकते हैं, और हल्का हल्का घी लगाइए, बहुत ज़्यादा घी आप लगा करके सेकिए मत, चाहे भले ही पराठों को प्लेट में रखने के बाद उसके ऊपर से बटर या घी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो बस इसको इस तरीके से मैं सेक लूँगी, और उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो इन पराठों को आप किसी भी चटनी के साथ में या फिर चाय के साथ में, दही के साथ में, किसी के भी साथ में सर्व कर सकते हैं, बट आज मैं इसको सर्व करने वाली हूँ टमाटर की
कुक्ड वाली चटनी, टमाटर की दो तीन तरीके से चटनी बनाती हूँ मैं, लेकिन ये जो है ये सिंपल टमाटर और हरी मिर्च के साथ में ये चटनी बनाई है, बहुत अच्छी लगती है ये। मेरे हस्बैंड को एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे टमाटर उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। सो ये चटनी के साथ में आप इसको सर्व कीजिए, और दही भी मैंने रख लिया, रायता, कुछ भी आप कोई भी वेरिएशन के साथ में, इवन सब्जी के साथ में भी आप इसे सर्व करेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी अच्छा है। तो ज़रूर आप इसको अपने किसी भी मील में इंक्लूड कीजिए। तो चलिए बनाते अपना नेक्स्ट पराठा, जिसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर बॉइल्ड पोटैटो, और ये है प्याज और धनिया को अच्छे से चॉप कर लिया है, नमक है, हींग है, और ये आमचूर है, और हरी मिर्ची को भी चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा सॉल्ट ले लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं अदरक भी ग्रेट करके डालूंगी। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये आटा, गेहूं का ही आटा है, और इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है, और बस ये देखिए आटा लग करके रेडी हो गया। इसमें और कुछ आपको ऑयल वॉयल कुछ भी नहीं डालना है, और सॉफ्ट सा डो मैंने लगा लिया है, और बस मेरी ये फिलिंग भी तैयार है, मेरा आटा भी तैयार है। तो चलिए बस आटे के अंदर आलू को स्टफ करके इस देसी घी से ही मैं पराठे बनाऊंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। सो रुचिता दिवेकर कि अगर आप को फॉलो करते हैं, उनकी बातों को, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो उनका कहना ये है कि आप जो भी चीज़ ट्रेडिशनली खाते आ रहे हैं उसको ढंग से, जैसा भी वो पहले से बनता हुआ आ रहा है, आप उस तरीके से उसको बनाइए, और फ्रेश फूड, अपने घर का फूड जो है वो आप खाइए, तो आपको कोई नुकसान नहीं होता है। चाहे वो आप पराठा खा लीजिए, चाहे वो आप छोले खा लीजिए, चाहे भटूरे खा लीजिए, कुछ भी आप जो भी है वो खा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। बस इशू जो है वो है आपकी टाइमिंग क्या है, आपका पोर्शन क्या है, और आप वर्कआउट क्या कर रहे हैं। तो खाने में कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है, आपको अमाउंट में कंट्रोल करना है, टाइम पे कंट्रोल करना है, और आप सारी चीज़ें खा सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ में अपने बेनिफिट्स होते हैं। ट्रेडिशनली सीजनल जो भी चीज़ें चलती हैं उनमें अपने बेनिफिट्स होते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। सो इसीलिए आप अगर पराठे खाने से डरते हैं और आप सोचते हैं कि पराठे खाने से वेट लॉस नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम गलत फहमी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितना अमाउंट ऑफ घी ले रहे हैं, कितना आप पका रहे हैं, प्योर आपने घी लिया हुआ है, ये जैसे मैंने घी जो यूज़ कर रही हूँ ये होममेड घी है, लेकिन हाँ मतलब इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखते हैं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छा खासा वेट लूज़ किया था इसी डाइट को फॉलो करके, और ये डाइट मुझे काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इजी टू फॉलो है। तो अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं मेरे एक्सपीरियंस से, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों के साथ में अपनी सारी एक्सपीरियंस सारी बातें शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं अगेन इसको घी से ही बना रही हूँ, कोई ऑयल वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज रिफाइंड ऑयल के लिए वो बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली मना करती हैं। एंड इस तरीके से मैं इसको सेकूंगी, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पराठे को ज़्यादा नहीं सेकना चाहिए, और जितना आप ज़्यादा सेकते हैं ना उतना ही नुकसान करता है पराठा, वैसे पराठा ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, तो इसलिए आप इसको हल्का हल्का सिर्फ सेकिए। और घी भी मैं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा घी ना लगाइए, हल्का सा घी, जिससे कि ये थोड़े से अच्छे से पराठे हमारे सेक जाएँ। तो बस इस तरीके से मैं पराठे को सेक लूँगी, और उसके बाद इसकी अमाउंट को मैं कंट्रोल करूँगी। सो एक या दो पराठा आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आम का अचार लिया है, थोड़ा सा दही लिया है, और उसके साथ में अपना ये एक पराठा जो है वो मैं खाऊंगी। तो चलिए अब बना लेते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी, नेक्स्ट पराठा। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर साफ़ किया हुआ मेथी है ये, इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। मेथी या कोई भी पत्ते वाली सब्जियों को अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। तो मैंने इसे दो या तीन बार अच्छे से वॉश कर लिया था, एंड देन फिर मैं इसको फूड प्रोसेसर में अपने आटा लगाऊंगी, क्योंकि मेथी का पराठा फूड प्रोसेसर में लगाना बहुत ही ज़्यादा क्विक और ईजी है। आप चाहें तो अच्छे से चॉप करके और फिर आटा लगा सकते हैं, उससे भी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इसलिए इसको जल्दी से फटाफट इसमें कर ले रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, पहले अच्छे से फूड प्रोसेसर में मेथी को इस तरीके से चॉप कर लेती हूँ, देन फिर मैं इसके अंदर आटा ऐड करती हूँ। तो आटा यहाँ पर अगेन मैंने गेहूं का ही ऐड किया है, आप चाहे तो मल्टीग्रेन आटा या फिर जौ का आटा मिक्स करके भी आप इसमें ले सकते हैं, थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ में। मेथी के थेपले भी आप बना सकते हैं, थोड़ी सी रेसिपी डिफरेंट होती है, मैं कभी और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और यहाँ पर मैंने इसमें वही अगेन मसाले थोड़े से ऐड कर दिए हैं, धनिया पाउडर, हींग, जीरा, अजवाइन सॉरी, एंड लाल मिर्च का पाउडर, ये सब कुछ ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, और इसमें हरी मिर्ची भी आप डाल सकते हैं, बट अगेन मेरा कंस्ट्रेंट मेरा बेबी है, तो मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दे रही हूँ, ताकि थोड़ा सा स्पाइस अप लगे पराठा।
बस इसको लगा करके मैं एक थोड़ा सा टाइट सा ही डोर करूँगी, क्योंकि इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ प्लस इसमें पत्ते हैं, तो ये रखे रखे थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पर इसको अच्छे से आटा लगा लूँगी। एंड इसमें थोड़ा सा मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल मेथी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो मैंने इसके अंदर एक चम्मच मेथी मस्टर्ड ऑयल इसमें डाला है, उससे पराठे थोड़े सॉफ्ट भी बने रहेंगे और एक उसकी जो पंजेंट स्मेल आती है सरसों के तेल की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अब हम लोग इसके अगेन लेयर वाले पराठे ही बनाना मैं पसंद करती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन आप इसे आराम से रोटी फॉर्म में या प्लेन फॉर्म में, जैसे भी आप चाहें उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको बना करके सर्व करूँगी। इन पराठों को सेकने के लिए आप मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल के साथ भी ये पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप दूंगी, जो मेरी मम्मी ने एक बार मुझे बताई थी कि जब आप ऑयल से पराठे सेकते हैं ना, तो आप अगर फ्रेश गरम गरम पराठे खा रहे हैं तभी के लिए है ये ट्रिक, तो आप क्या कीजिए, ऑयल के अंदर 1/4 पानी डाल दीजिए। जैसे अगर आपने एक चम्मच ऑयल लिया है तो 1/4 चम्मच उसमें पानी डाल दीजिए। तो उससे क्या होता है, ऑयल पतला हो जाता है, बहुत ही ईजिली स्प्रेड होता है पराठों पे, तो आप कम ऑयल में ज़्यादा अच्छे से पराठे सेक सकते हैं। बट ये ट्रिक जो है ये सिर्फ और सिर्फ गर्म पराठों के लिए है। पराठे स्टोर करने हैं तो आप ये ट्रिक ना फॉलो करें। तो चलिए, रेडी हो गए हमारे मेथी के पराठे। इसको सर्व किया है मैंने आलू टमाटर की करी के साथ में, और साथ में गुलाब जामुन जो कि मैंने घर पर ही बनाया है। सो काफ़ी टेम्पटिंग थाली, आप इसे लंच में से इंजॉय कर सकते हैं, डिनर में भी आप बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। बस क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी है कि आप कब खा रहे हैं तो कितना खाना है। आप चाहें तो इसको दही के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। तो यही था आज का मेरा वीडियो। ये रेसिपीज आप ज़रूर ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस है और टेस्टी भी लगती है। तो उनमें से जो भी चीज़ ट्राई करना मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी बनी। और यहाँ पर देख सकते हो आप, वेदर बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा ठंडा सा हो चुका है। आपके यहाँ पर वेदर कैसा है, और क्योंकि कई जगह सुनने में आ रहा है कि बारिश वगैरह हो रही है, तो मुझे वो भी ज़रूर बताना कि आपके यहाँ वेदर कैसा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।